हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आल्सो योर हैप्पी फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन बाई के सी पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम इस वीडियो में पिछले ऑब्जेक्टिव को ठीक आगे ले जा रहे हैं। पिछले ऑब्जेक्टिव हम एक से लेकर मतलब कि 16 से लेकर 30 तक आपको बता दिए, आज हम 30 के आगे बताएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग अंत तक वीडियो के साथ बने रहें और पूरा वीडियो देखने के बाद ही कुछ ना कुछ करें। और हमारा मानिए, तब जब भी बैठिए तो कलम के साथ बैठिए और माइंड को कंसंट्रेट करके बैठिए। मतलब कि आप 10 मिनट 15 मिनट जब भी आप वीडियो देखें, सारा दुनिया भूल जाइए और एकदम ध्यान से देखिए। और ऐसे देखिए कि हम लोग एकदम जस्ट आई एम रीडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टीचर, मतलब टीचर के सामने पढ़ रहा हूँ। ओके, तो चलिए देखिए, पिछला ऑप्शन है, पिछला क्वेश्चन में था कि माई हो गया, योर हो गया, हीज हो गया, कौन सा ऑप्शन है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखिए, राम किल्ड रावण इन दिस सेंटेंस रावण क्या है। क्वेश्चन है कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में रावण क्या है। तो देखिए, किल्ड है क्रिया, किल्ड क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसलिए यहाँ पर जो रावण होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। बोलिए, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है, थैंक यू। नेक्स्ट 32, आई हेल्प्ड हर, मैंने उसका मदद किया। इन दिस सेंटेंस हेल्प्ड क्या है। तो देखिए, हेल्प मींस होता है मदद करना, मदद करना एक एक्शन दिखा रहा है। यह इस वर्ड के अंतिम में ना है, उसको हम बोलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का मेन वर्ब, और यह एक वर्ब, क्या है, वर्ब। तो आई हेल्प्ड हर, मैंने उसका मदद किया, यहां पर जो हेल्प्ड है वो वर्ब है, क्या है, वर्ब। कोई दिक्कत, चल। आई सा हर यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा। आई सा हर यस्टरडे, बट सी खाली ऐसा नॉट आइडेंटिफाई मी, हमने उसको कल देखा लेकिन उसको पहचान नहीं पाई। ठीक, यहां पर क्या होगा, डस होगा, डू होगा, डिड होगा या हैड होगा। तो देखिए, ये सा हर यस्टरडे, यस्टरडे बीता हुआ कल, ये बीता हुआ कल की बात है, इसलिए यहां पर यस्टरडे नहीं होगा बल्कि यहां पर डिड होगा, क्योंकि पास्ट में डिड लगाते हैं। और इसका ऑप्शन होगा सी, 33 का सी। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, हम आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि यू शुड हैव एट द हाउस यस्टरडे। पहला बात, यहां पर तो यस्टरडे लगा है, क्या लगा है, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, क्या होता है, बीता हुआ कल। इसलिए यस्टरडे है तो पहला बात, यह पास्ट टेंस का मैटर है, किसका मैटर है, पास्ट टेंस। दूसरा बात, हैव के साथ बीन लगता है, जिसका होता है होना चाहिए, और बीन है होना चाहिए था, इसका हिंदी हो जाएगा यू शुड हैव बीन एट द हाउस यस्टरडे, तुम्हें कल घर पर होना चाहिए था। अरे भाई, 1 जनवरी है, नया साल है, तो घर नहीं, तक विदेश में रहोगे, अपने परिवार ही के साथ रहोगे, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यू शुड हैव बीन एट द हाउस यस्टरडे, तुम्हें कल घर पर आना चाहिए था। ऐसी स्थिति में हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है, और ये यस्टरडे पास्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। अब बोलिए, क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, थैंक यू। नेक्स्ट, ही विल खाली स्थान ए पेन, ही विल खाली स्थान ए पेन, यहां पर क्या होगा। तो देखिए, इसका होना, इसका होगा ही विल हैव ए पेन, ही विल हैव ए पेन, उसके पास एक कलम होगा, उसके पास एक कलम होगा। यहाँ पर हम सेल और विल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और यह मामला फ्यूचर टेंस, क्योंकि विल इस बात का प्रूफ है कि भैया सेल विल फ्यूचर टेंस में ही लगाया जाता है, सेल विल फ्यूचर टेंस में ही लगाया जाता है, इसलिए ही विल हैव ए पेन, इसका ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। ओके, वैसे हमारे विचार से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए 36, और देखिए एक बात, ये मत सोचिएगा कि सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव, आपको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सब्जेक्टिव भी डालते चलेंगे। स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, इंफेक्टिव, क्वेश्चन, जो कुछ भी है, स्टोरी आपको डालेंगे, इंग्लिश से हिंदी डालेंगे, अनुवाद डालेंगे, हिंदी से इंग्लिश डालेंगे, हर तरह का आपको मटेरियल डालेंगे कि आपको ऐसा ना लगे कि हमारा इंग्लिश एक्सपर्ट के साथ जुड़े रहें,
एजुकेशन चैनल के साथ जुड़े रहें और हमको कुछ फ़ायदा ना हुआ, आपको हम ऑप्शन ही नहीं आने देंगे। इसलिए हर तरह का वीडियो डालेंगे कि आपसे इंग्लिश में कोई हाथ न मिलाने पाए। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है, ही हैड नॉट हेल्प्ड मी यस्टरडे, उसने मेरा कल मदद नहीं किया था। पास्ट में, इन द मॉर्निंग, कब, सुबह में। इन दिस सेंटेंस मी, इसमें मी क्या था, देखिए हेल्प है, हेल्प है कि नहीं है, हेल्प के बाद क्रिया है, इसके बाद एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए मी को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। बोलिए मी को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। अब बोलिए, क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या? नाइस। 37 बोलता है कि महेश हेल्प्ड रमेश। 37 क्या बोलता है, महेश हेल्प्ड रमेश एट द हाउस, एट द हाउस। इस वाक्य में महेश हेल्प्ड रमेश, इन दिस सेंटेंस महेश, इसमें महेश क्या है, तो महेश एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए महेश को बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। महेश को क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए कोई दिक्कत, सब समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 है कि माई फ्रेंड सेड दैट यू, माई फ्रेंड सेड दैट यू आर माई इनेमी, यू आर माई इनेमी बट आई नो यू वेरी वेल। माई फ्रेंड सेड दैट यू आर माई इनेमी बट आई नो यू वेरी वेल। यहाँ पर बताइए कि इस वाक्य में फर्स्ट यू, देखिए यहाँ पर दो दो यू है कि नहीं है, एगो यू ये है और एगो यू ये है, तो ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ, तो फर्स्ट यू क्या है, तो यू आर सहायक क्रिया के बगल में है, तो जो फर्स्ट यू है वो सब्जेक्ट है। फर्स्ट यू क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए कोई दिक्कत, पसंद आ रहा है। अर्थात जो इस वाक्य है कि माई फ्रेंड सेड दैट, मेरे दोस्त ने कहा कि यू आर माई इनेमी, तुम मेरे दोस्त हो, बट आई नो यू वेरी वेल, लेकिन नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो लेकिन मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक। इसलिए इस वाक्य में फर्स्ट यू जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट। माई फ्रेंड सेड दैट, मेरे दोस्त ने कहा कि यू आर माई इनेमी बट आई नो यू वेरी, सेम क्वेश्चन को दिया गया है कि मेरे दोस्त ने कहा कि मैं, तुम मेरे दुश्मन हो लेकिन मैं तुमको जानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन रिपीट है कि यहाँ पर सेकेंड यू क्या है, एक यू ये है और एक यू ये, यहाँ पर सेकेंड यू क्या है, तो सेकेंड यू क्रिया के बाद है, मेन वर्ब के बाद है कि नहीं है, तो जो सेकेंड यू है मेन वर्ब के बाद उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बोला जाए। कोई दिक्कत, अर्थात 39 का हो जाएगा बी। समझ आ रहा है बात, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि आई सा हर यस्टरडे, इन दिस सेंटेंस हर इज, कह रहा है कि आई सा हर यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा, यहाँ पर यस्टरडे बीता हुआ कल। अब इस वाक्य में हर क्या है, तो मैंने उसको देखा, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, क्रिया के बाद है, इसलिए यहाँ पर जो हर है वो है ऑब्जेक्टिव केस। हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए 40 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, थैंक यू। नेक्स्ट 41 है कि दिस इज हर पेन, इन दिस सेंटेंस हर क्या है, तो यहां पर देखिए संबंध बता रहा है भैया कि दिस इज हर पेन, यह उसका कलम है, लेकिन हर लड़की है तो लड़की को रेफर करेगा, यह उसकी कलम है, इसलिए जो हर होगा उसको हम बोलेंगे पोसेसिव केस। यहां पर जो हर है, जेंडर की बात करें तो हर फेमिनिन जेंडर होगा, स्त्रीलिंग होगा, और अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हर प्रोनाउन होगा, नहीं यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, हर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। ओके नेक्स्ट 42 है कि दिस इज हिज पेन, इस वाक्य में हिज क्या है, तो वही सेम चीज है, बस यहाँ पर हर था, यहाँ पर हिज था, लेकिन ऑप्शन क्या है, पोसेसिव केस, तो यहाँ पर दिस इज हिज जो पेन है वो है पोसेसिव केस, अर्थात 42 का हो जाएगा सी। बोले कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन है कि दिस पेन इज हिज,
यह कलम उसका है। दिस, यहाँ पर देखिए, दिस इज हिज पेन, यह उसका कलम है, लेकिन दिस पेन इज हिज, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। क्वेश्चन में छूट गया है, दिस पेन इज हिज, यह उसका कलम है, यह कलम उसका है, इसलिए यहाँ पर जो हिज है वो पोसेसिव केस ही है। हिज भी क्या है? पोसेसिव केस है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दिस इज हिज पेन, यहाँ पर हिज क्या है? पोसेसिव केस में क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है कि पोसेसिव प्रोनाउन है? पोसेसिव एडजेक्टिव है कि पोसेसिव प्रोनाउन है। तो हम बोलते हैं कि भैया दिस इज हिज पेन, यह पेन से अटैच है, जुड़ा हुआ, इसलिए एडजेक्टिव है। इसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलिए तो कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने आपको इतना सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अगर आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखे होंगे तो हम दावा करते हैं कि इसमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम ऐसा बोलते हैं कि आपको वीडियो पढ़ाए बस एक ही चीज़ का होना चाहिए, क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। और क्वालिटी मतलब आपको बातें टीचर की एक एक बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा कि सर आपका ये वीडियो कैसा लगा। ओके, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि आपके साथ साथ उसका भी भलाई हो जाए, और उसको भी बोल दीजिएगा कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सर का वीडियो का हर नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आसानी से पहुंच जाए और तुम भी इस वीडियो का फायदा ले सके। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दैट्स लास्ट, बी हैप्पी एट योर